जीजू जीजू, ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, मेरे को कह रहा था क्या सुन रहा है? अरे क्या सुना मैंने? क्या? मैंने मेरी बहन को आपके साथ ब्याह और आपने घर में गुंडे मवालियों को बुला रखा है। अबे चला जाओ। अरे देखो आप डरो मत, मैं हूं ना, अगर किसी ने आपके सामने आंख उठाकर देखा ना, कसम से मेरी तलवार निकाल लूंगा। अबे अपने से बड़ी तलवार निकाल ली तूने क्या? ये सब प्रेम साहब आए, रंजीत साहब आए, निकेतन आया, चुप रहे। प्रेम साहब, अरे प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, आप तो इतने सीनियर हैं। जो भी मसला है हम आपस में सुलझा लेंगे, प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से। रंजीत साहब, अरे रंजीत साहब कैसे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यार इधर भी यही बोला, इधर भी नहीं, यहाँ कहाँ बोला, यहाँ तो सीनियरिटी बताई। अच्छा, हाँ ये तो बड़े सीनियर है। मैं भी इनका फैन, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपको देखकर ही तो मैंने मोहल्ले की लड़कियों को पटाना सीखा है, छेड़ना सीखा है। आप तो मेरे गुरु हैं। अच्छा। तो गुरु से कैसे लड़ाई कर सकते हैं? अभी लड़ाई इधर, लड़ाई के लिए लाया। अरे हाँ, देखते ना कौन आया है। चेन्नई एक्सप्रेस। अरे क्या जीजो, आप इनसे डर रहे हैं? आप फिक्र मत करें, आप है ना, शाहरुख को डरा सकते हैं, रितिक को डरा सकते हैं, मुझे नहीं, समझे? आप खड़े हो जाइए, खड़े हो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जोर जोर से। आ रही है आपको आवाज? मैं तो सिर्फ आपकी हाइट चेक कर रहा था। वैसे क्या है कि हमारे घर में तो रिवाज है कि जो बैठे हुए ना उनके पैर नहीं छूते, खड़े हो तो पांव छू लेते हैं। नहीं यार, तुम तो लड़ने आए थे। हाँ, मैं कहाँ लड़ने आया था, मैं तो ऐसे ही। काम करो ना, तुम जरा खड़े हो जाओ पहले, अच्छा है ना? हाँ बोल। पाजी, आज तक तो मैंने सुना था पैरों तले जमीन खिसकना, आप तो देख भी लिया। देखिए आप इतनी ऊपर से मुझे छोड़ना नहीं, वरना और एक कहावत बन जाएगी, शरीर से जान निकलना। छोड़ना नहीं। देखिए ये मैं आपकी हाइट से नहीं डर रहा हूँ, आपकी बॉडी से डर रहा हूँ। अरे तू ऊपर से बोल रहा था कि मैं लड़ना है, लड़ना है। नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ लड़ूंगा? अरे मैं तो लड़ लो, मैं अभी दीदी को बोलता हूँ कि शरीफ लोग आए, उनके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त किया जाए। नहीं लेकिन रंजीत साहब भी आए हैं, दीदी का रिस्क नहीं लेता मैं। मैं खुद लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए चाय नाश्ता। अभी अभी आया। बदतमीज कहीं का, हमेशा डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए खैर, हम लोग अपनी इंटरव्यू शुरू करते हैं। हेलो, ओ रजाक खान। इधर जूतों से तो जितेंद्र फैमिली का लग रहा है। मैंने रंजीत जी को अपना गुरु माना हुआ है। तो बेटे वो तेरे। गुड। एक मिनट, मैंने आपको गुरु माना, पता किस लिए? क्यों? अभी बोल ले, डरता क्यों है? चोपड़ा साहब, मैंने रंजीत जी का गुरु इसलिए माना है क्योंकि आम तौर पे लोग हीरो को कॉपी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे विलन है जिनको हीरो भी कॉपी करते हैं। इसलिए मेरा हुआ। एक मिनट, इससे पहले मैं कुछ भूल जाऊं, मुझे कुछ करना है। नहीं भाई, ये गुलाटी का घर है। ये मेरे दुश्मन का नाम है गुलाटी। ताकि मैं उसे भूल ना जाऊं, इसलिए खर है। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? आज मैं यहाँ पे खलनायक बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। किससे ट्रेनिंग लेनी है आपको? मुझे सबसे ट्रेनिंग लेनी है। हेलो, हेलो निकेतन। हेलो हेलो। हमने 60 दिन इकट्ठे शूटिंग की है भाई, चेन्नई एक्सप्रेस की। आपने? हाँ। आपने कहाँ से चेन्नई एक्सप्रेस? ए, पहचान नहीं रहे? अरे यार, चाय पिलाने वालों को पहचानते भी नहीं हो? अरे अरे अरे, आप हैं? अरे तू बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ट्रेनिंग लेनी है क्योंकि क्या हुआ ना, उस लड़की ने ना जी, उसका नाम है श्वेता गुलाटी। तो एक बार ना 4 लड़के लेके आ गई, मेरे 10 थप्पड़ मारे जी लड़कों ने, मैं सहता रहा। फिर मेरे 100 थप्पड़ मारे, मैं सहता रहा।
प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे बेहोश नहीं होने दिया जी. वेरी गुड गुड. पानी के छींटे मार रहे थे जी मेरे मुंह के ऊपर. इधरा एक तो अपनी आवाज जरा पारी कर ले. अपनी आवाज पारी कर ले तेरा गुलाटी खाना बंद हो जाएगा. शाबाश शाबाश. बस आधा काम हो गया तेरा. आधा काम हो गया. देखिए आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप जो भी सीखना निकल गया ना आप क्या विलन बनना चाहते हैं आप? हाँ जी विलन बनना. कत्ल कर लेंगे आप. उससे मुझे दर्द तो नहीं होगा ना जी. मर्द को दर्द नहीं होता. कत्ल करेगा तेरे को दर्द क्यों होगा भाई? मतलब कई बार होता है ना जी कत्ल करो बाद में इंसान को खुद दर्द हो जाए वैसे मतलब उस तरह से. विलन बनने के लिए तो कत्ल तुमसे होएगा नहीं. गाली गाली दे लो किसी को. गाली तो देनी आती है जी मुझे. कैसे? तू होगा कुत्ता तेरा बाप होगा कुत्ता. ओए ओए कोई और गुरु ढूंढ जाके मेरा भी नाम खराब करे. कोई और गुरु ढूंढ जाके. बड़े गुरु साहब बैठे उनके बजा. मेरा मेरे भी नाम खराब करेगा. विलन बना पहले बोले बटन कौन है? बटन नहीं मेरे मेरी मम्मी है. मम्मी तो बच्चा है गलो ही ना. सर मेरे को नजर लग जाती है जी. ओए नहीं लगेगी नजर. बैठ यार तू मेरा चेला बना है ना. मत देख अभी तू. सबसे पहले जाके आवाज लगानी है. ओए सेठ बाहर निकल. बोल बाहर निकलो. ओए सेठ जी बाहर आ जाओ. तेरी ओए चल बे चाबी भर दे. रेडी 1 2 3. हां बोल. तू सचिन तेंदुलकर की तरह क्यों बोल रहा है? बोल बोल शाबाश. और मैं छक्का भी लगा देना वैसे. शाबाश. डर नहीं सर. आप शाबाशी दे रहे हो क्रैक डाल रहे हो मेरे को. अच्छा अच्छा और छमिया को आवाज लगा. आरो पारो बहन. एक काम कर तो जल्दी विलन बनना है ना. हाँ जी. इनके पाव पकड़ ले. अरे परिस को हफ्ता मांगना सिखाओ. हफ्ता मांगना है. हफ्ता पकड़ा जी. हफ्ता जी मैं तो 3 दिन में काम चला लूंगा जी. अबे हफ्ता मतलब ये नहीं बनेगा पाजी. हफ्ता और होता है. हफ्ता ए हफ्ता निकाल. हफ्ता वो वाला हफ्ता. अच्छा वो वाला भाई बन के. अच्छा जी फिर से मांगेगा तू? नहीं जी मेरे से मांगे हफ्ता. हफ्ते का मेरे को जी चाहिए भी थोड़ा बहुत हफ्ता जी क्योंकि मेरी बुआ छोटी बुआ की शादी भी है जी. अच्छा फिर उधर जा. फिर उधर चले जा. हाँ जी. हाँ जी शादी करा. हफ्ता दे दो जी मेहरबानी करके. आपकी बड़ी कृपा होगी जी. मेरी छोटी बुआ की शादी है जी. रात मोगा से अहमदाबाद जानी है जी. कमल कड़ी दे दे नाराज ना करे. कड़ी बजी है लगा. कड़ी दे दे. अरे हफ्ता दे दो जी. 6 दिन ही रहना जी. अबे संडे छुट्टी होती है मैं मान सकता हूँ. कोई बात नहीं जी. अबे जैसे हफ्ता मांग रहा है ऐसे तो कोई भीख भी नहीं मांगता. हफ्ता मांग रहे डरा गए. हफ्ता निकाल बहुत. देखो हफ्ता ले. देखिए ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें. आप इंटरव्यू कर रहे हैं यार. आप लोग कमाल कर रहे हैं. विलन बनना तो आप उनसे पूछिए जाके. मेरे से क्या पूछिए. कड़ी दे दे. अच्छा जी 50 रुपए दे दो मैं चला जाता हूँ. ये लो 50 रुपए मिल गया. अभी तरह हफ्ता आराम से निकल जाएगा. और 5-5 रुपए का वड़ा पाव खाना ठीक है. और फिर जाए तो तुम्हारा नारियल जैसा मुंह ना ये वड़ा पाव जैसा हो जाएगा. हेलो 5 रुपए में पेट नहीं भरता मुंबई में मैं बता दूं आपको. फालतू बाल. जोरदार तालियां एक बार.